नमस्कार दोस्तों, मैं मुझे आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग के पास आया हुआ था सीख झाड़ू से रिलेटेड कि इसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेशन हम लोग अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सीख झाड़ू में अगर आपको ISO का सर्टिफिकेशन लेना है, ISO का लाइसेंस, तो कौन कौन सा लाइसेंस इसमें आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो अगर आप सीख झाड़ू का काम कर रहे हैं तो अपना एक कंपनी आप जरूर बना लीजिए, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, तीनों से कोई भी हो सकता है। उसके बाद उसका एक पैन कार्ड बनाइए और उसका एक करेंट अकाउंट बनवाइए, ये तीनों आपको चाहिए होगा। और उसके बाद फिर उसका एक GST नंबर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए ये झाड़ू का जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है दूसरे स्टेट से आता है आपके पास, तो आपको GST नंबर चाहिए होगा, जिसमें आपको GST जो आप पे करेंगे वो वापस मिल जाता है। और अगर सेम राज्य में है तब फिर नहीं लीजिएगा तब भी चलेगा, 40 लाख के ऊपर जब तक आपका ट्रांजेक्शन नहीं जाता है तब तक ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपको देख लेना है कि रॉ मटेरियल आपका कहाँ से आ रहा है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आप GST का रजिस्ट्रेशन लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास है कि आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, आपका ब्रांड का रजिस्ट्रेशन है, आपका करंट अकाउंट है, GST है, तो फिर आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं ISO 9001:2015। एक QMS होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, जो ये सीख झाड़ू के लिए दिया जाता है, प्लस ISO 14000 इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और आपका झाड़ू क्योंकि रॉ मटेरियल जो है नेचर से ही आता है, तो इसलिए ये दो सर्टिफिकेट जो है इसमें एप्लीकेबल होता है, ISO 9000 और ISO 14000। डॉक्यूमेंटेशन में आपका कंपनी का डिटेल, आपका पैन कार्ड, आपका GST का डिटेल, अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन है तो ट्रेडमार्क का डिटेल, ऑफिस का डिटेल, कितने आदमी काम कर रहे हैं, कौन से तरीके से आप मार्केटिंग करते हैं, क्या सोर्सिंग का तरीका है आपका, ये सारा एक कंपनी चलाने के लिए जो जो चीज़ लगती है वो आपको डिटेल शेयर करना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके उसका डॉक्यूमेंटेशन देख के कि अगर आपकी कंपनी और आगे बढ़ना चाहती है, सबकी कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, तो इसमें आपको क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, उसका बेसिक प्लान क्या होगा, ये आपको बताया जाता है, दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको सर्टिफाइड किया जाता है और सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सर्टिफिकेशन में समझिए तो टाइम आपको कम से कम 10 से 12 दिन का टाइम लग जाता है प्रॉपर। ऑनलाइन सर्टिफिकेट 1 वीक में ही आ जाता है, मगर हार्ड कॉपी मिलते मिलते 15 दिन का टाइम आ जाता है। प्राइस की बात करें तो कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10,000 से 15,000 रुपये में दोनों सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है विदाउट ऑडिट। अगर मान लीजिए किसी को सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है, अगर कोई सर्टिफिकेट के साथ ऑडिट भी कराना चाहता है तो ऑडिट का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें जो जैसा कंसल्टेंट है जिसका नॉलेज जैसा है उसके अनुसार अपना चार्ज करता है। कोई 10,000 भी चार्ज करता है, कोई बड़ी कंपनी हो तो 1,00,000 भी चार्ज करता है, कोई छोटी कंपनी हो तो कोई 2,000 पर डे भी चार्ज करता है। और 2 से 3 दिन में जो है कंप्लाइंसेस का ऑडिट होता है, जिसमें आपके कंपनी को गाइड करने का, चलाने का तरीका, कैसे आप चल रहे हैं, तो कहाँ पर आप गलत हैं या कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ये सारा डिस्कस इशू करके एक रिपोर्ट बनाया जाता है। और रिपोर्ट बनाने के बाद कंपनी को दिया जाता है, समझिए तो पूरा डायग्नोसिस ही होता है कंपनी का इसमें। तो एक बार अगर डायग्नोसिस हो जाए तो फिर आपको काम करना आसान रहेगा मेजर एक्शन लेने में, कि कहाँ आपको कमी है और कैसे आप उसको दूर कर सकते हैं, या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करके आप अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हैं। ये था सीख झाड़ू के ऊपर, कि सीख झाड़ू के ऊपर आप ISO 9001 और 14000 का सर्टिफिकेट लेना चाहें तो कैसे ले पाइएगा। दोस्तों, अगर आप इसकी कंपनी चला रहे हैं सीख झाड़ू का, तो या फुल झाड़ू दोनों में से किसी का भी, तो अगर इसका ISO 9000 और 14000 का सर्टिफिकेशन लेना हो तो आप नीचे दिए हुआ जो नंबर है 9230222490 और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा आपको, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम लोग आपका काम पूरे इंडिया में कहीं भी हो तो करा के आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।